साथियों, हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी आभा को, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य स्वरूप में पहुंचाएं। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनित अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है और ये समय इस गौरव को, भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव, इन बुझाव एदाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हाँ जाना महा 15 नवंबर हिलोक जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाय। मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरांगनाओं के चरणों में आज श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को, देश के कोने कोने में सभी आदिवासी भाइयों बहनों और हमारे देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों, आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा हूं, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना की एक प्रकार से प्रकटीकरण का, भावुक कर देने वाला है। साथियों, आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में
सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।